अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक मजेदार सी रेसिपी लेके। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी चिकन काश्मीरी की रेसिपी, जो बहुत ही मस्त है और बहुत ही लजीज बनता है। तो चिकन काश्मीरी बनाने के लिए मैं ले ली थी एक पतीली, उसमें मैं डाल दी थी 2 टेबल स्पून के करीब तेल। फिर मैं इसमें ऐड कर दी थी एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और 2 टुकड़ा दालचीनी का और 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च और 1 छोटी इलायची। फिर मैं इसमें ये सब डालने के बाद, खड़ा अखा मसाला डालने के बबाद, मैं इसमें डाल दी थी 3 मीडियम साइज की प्याज में चॉप कर ली थी। फिर मैं इसमें ऐड कर दी थी प्याज, और प्याज को हम हल्का ब्राउन होने देंगे। हल्का ब्राउन होने तक कि हम एकदम अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम मसाले को तो अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ अदरक लहसुन को, ताकि जो भी इसमें कच्चापन है अदरक लहसुन का वो ना रहे, क्योंकि अगर कच्चापन रहता है तो सालन में वो मजा नहीं आता है। तो मैं एकदम अच्छे से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको तो अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज का टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद मैं फिर से मसाले को अच्छे से भून लूंगी, ताकि जो टमाटर है हमारा वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए एकदम अच्छे से, और हम थोड़ा सा पानी डाल डाल के करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना और टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ बुके मसाले। तो मैं मसाले में ले ली 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च और नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब काश्मीरी लाल मिर्ची, और हम मसाला भूनते वक्त एकदम खास तौर पर ध्यान रखेंगे हमारा गैस स्लो हो, और हम पानी डाल डाल के मसाला भुनेंगे, ताकि मसाला जले ना और एकदम अच्छे से मसाला भुना जाए। तो मुझे मसाला भूनते तकरीबन 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इस टाइम पे ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाला। आपके पास जो भी बिरयानी मसाला हो आप वो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास होममेड था तो मैं वो डाल दी हूँ 1 टीस्पून के करीब। फिर इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्च, मैं बीच में से चीरी मार के डाली हूँ। अगर आपको टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप चाहे तो और भी डाल सकते हो। मैं 2 से 3 इसमें हरी मिर्च डाल दी हूँ। फिर से मैं एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। फिर उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। मैं 500 ग्राम चिकन ली थी, मैं उसको धो के एकदम अच्छे से साफ कर ली हूँ, साफ करके धो ली हूँ। फिर इसमें डाल दूंगी चिकन। फिर चिकन डालने के बाद हम एकदम अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स कर लेंगे मसाले में, ताकि जो हमारा मसाला है वो चिकन में एकदम अच्छे तरीके से लग जाए और चिकन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम इसको भुनेंगे। तकरीबन चिकन डाल के 10 से 15 मिनट के लिए भुनी थी, तो आप एकदम अच्छे से चिकन डालने के बाद भून लेना। फिर मैं भून चुकी थी। फिर मैं इसमें ऐड कर दी हूँ 2 टेबल स्पून के करीब दही। फिर से मैं दही डालने के बाद इसको एकदम अच्छे तरीके से मैं मसाले को भून ली थी। आप कोई भी सालन बनाओ, चिकन मटन या फिर जो भी, हमको एकदम ध्यान रखना है, हम जितना ज़्यादा मसाला भूनेंगे हमारे सालन में उतनी ज़्यादा लग जाएगी। तो हम धीमी आँच पे पानी डाल डाल के लगे, तो अगर आपका मसाला जल रहा है तो पानी डाल के करिए, अगर नहीं जल रहा है तो धीमी आँच पे एकदम अच्छे तरीके से आप मसाला भूनिए। आप जितना भूनेंगे आपके सालन में उतनी लग जाएगी। तो मैं दही डालने के बाद भी तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुछ मसाला भून ली थी। फिर 10 मिनट के लिए मैं ढक्कन ढक के रख दी थी, ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो फिर मैं इसको ढक्कन डालने के बाद मैं फिर से एकदम अच्छे से मसाला भून ली थी। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दी थी बारीक कटी कोथमीर, ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर ली थी कोथमीर डालने के बाद। करने के बाद मैं इसमें डाल दी थी पानी। अगर आपको सूखा रखना है तो आप रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी ऐड कर दीजिएगा। वैसे मैं तकरीबन आधा गिलास के करीब कुछ पानी डाली थी। फिर इसको मिक्स करके 5 मिनट में एकदम धीमी आंच पे इसको पका ली थी। फिर मैं गैस को बंद कर दी थी। और मेरा ये चिकन काश्मीरी तैयार है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।